अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के सह सचिव राकेश शेट्टी ने रुस्तम जी एलिमेंट्स मामले को लेकर अब मंत्रालय का रुख कर लिया है। इस मामले को लेकर उन्होंने राधा कृष्ण विखे पाटिल से मुलाकात की और इस मामले में फंसे सभी लोगों को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं मामले को देखते हुए विखे पाटिल ने भी जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन सभी को दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से राकेश शेट्टी इस मामले को लेकर न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और राकेश शेट्टी के आने से अब लोगों में एक उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। रुस्तम जी एलिमेंट डीएन नगर अंधेरी वेस्ट का मैटर है और ये सभी जो आप देख रहे 300 इन्वेस्टर्स के साथ आज जो हाउसिंग मिनिस्टर है राधा कृष्ण विखे पाटिल, इनके यहाँ पे आज हमारी मीटिंग थी और हमने उनको याद दिलाया कि जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे इन्होंने ही इन इन्वेस्टर्स का मुद्दा उठाया था हाउस में और आज उसी डिपार्टमेंट का वो मिनिस्टर है। उनको हमने साफ तौर से बता दिया कि ये जो लोगों ने 300 करोड़ रुस्तम जी एलिमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, इस प्रोजेक्ट में हमें घर के बदले घर चाहिए और हम सब खुश है कि राधा कृष्ण विखे पाटिल जी ने ये हमें बहुत पॉजिटिव रिप्लाई दिया है कि जल्द से जल्द इसका वॉयलेशन भी बाहर आएगा, लोगों के बीच में कार्रवाई किया जाएगा उस अधिकारी पे जिन्होंने रुस्तम जी एलिमेंट जो प्रोजेक्ट है इसमें बनाने में उनको मदद किया है, बिल्डर को इलीगली जितने लोगों ने मदद किया सभी के ऊपर कार्रवाई होगा और ये इन्वेस्टर को इनका हक का जो घर है वो मिलेगा। तो ये देखिए रुस्तम जी एलिमेंट, ये अगर आप देखते हो मुंबई के अंदर इतना वॉयलेशन इस एक प्रोजेक्ट में हुआ है, जैसे आप देखिए कि जो रिक्रिएशन ग्राउंड है जो पूरे अंधेरी का है वो इन्होंने पोडियम के ऊपर लिया था, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राउंड के ऊपर मैदान के ऊपर 250 करोड़ रुपए का लोन उठाया इन्होंने रुस्तम जी ने, जो माडा ने इनसे ना एग्रीमेंट किया ना NOC दिया, मतलब इलीगली बहुत सारा चीज़ हुआ है। मगर आज जो हमारा मुख्य टॉपिक ये था कि हमारा जो 300 इन्वेस्टर्स का पैसा है उनको जो हक का घर मिलना चाहिए उसकी बात थी, तो वो आज हमने मिनिस्टर साहब के सामने रखा और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इनको अपना घर मिलेगा। नहीं, मुझे लगता है कि पहले आश्वासन मिल रहा था मगर जैसे जैसे अधिकारियों को भी ये पता चल रहा है कि रोज़ इस मामले का एक नया स्कैम बाहर आता है, एक नया दस्तावेज बाहर आ रहा है, तो अधिकारियों को भी पता है कि ज़्यादा देर ये रुस्तम जी बिल्डर को बचा नहीं पाएगी। हाँ, महानगर पालिका के अंदर रवि राजा करके लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने अपने चेंबर में मीटिंग बुलाया था जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ गार्डन सभी लोग आए थे और ये तय हुआ था कि रुस्तम जी एलिमेंट प्रोजेक्ट पे जाके जो जाड़ है उसका काउंटिंग किया जाएगा, सेंसस किया जाएगा। आज हमें पता चला कि डेवलपर इलीगली वहाँ पर जाड़ ला के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अगेन वो इलीगल है, ऐसे आपको करना अलाउड नहीं है, वो मुद्दे का भी कंप्लेन आज ही हमने BMC में किया है और मुझे लगता है कल महानगर और मनपा के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और जो सेंसेस है जाड़ का वो करेंगे।